छत्रसाल की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो महाराजा छत्रसाल की जय। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। दुख दुख कर ऊपर कुंज बिहारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। Thank you.
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, छत्रसाल महाराज की जय। सुंदर साहब जी, प्रकाश हिंदुस्तानी का 31 प्रकरण है बेहद के साथी। बेहद के साथी सुनो बोली बेहद वाणी, बेहद के साथी सुनो बोली बेहद वाणी। बड़े बड़े रे हो गए पर काहू ना जानी, बेहद के साथी सुनो बोली बेहद। Thank you.
प्यारे की श्री निजानंद स्वामी की श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की श्री महाराजा छत्रसाल जी की मुझे लगता खाली मेरी आवाज आ रही है, किसी और की आवाज तो आई नहीं। महाराजा श्री छत्रसाल जी की आई आवाज आइए जल्दी जी। Yeah.
Thank you.
बोले श्री प्रभुपाद प्यारे की जय, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय, महाराज छत्रसाल की जय। Thank you.
हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है हमारे बीच नौतनपुरी धाम जामनगर से इस बार छत्रसाल जयंती पर विशेष रूप से परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री महाराज श्री कृष्ण मणि जी का आगमन जयपुर में हुआ है। विशेष रूप से छत्रसाल लोकसभा ने इन्हें आमंत्रित किया, आपने सहर्ष उनका निमंत्रण स्वीकार किया। वैसे जयपुर सुंदर साहब का सौभाग्य है, जब भी हम महाराज जी के चरणों में विनती करते हैं महाराज जी हमारे निमंत्रण हमेशा स्वीकार करते हैं। बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम महाराज जी के रहते हैं, अभी भी महाराज जी का कार्यक्रम कहीं और भी था, लेकिन जयपुर सुंदर साहब का सौभाग्य है कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करता हूँ। जयपुर सुंदर साहब की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। पुजारी जी से निवेदन करूँगा आप आइए महाराज जी का स्वागत करके माला जपकर उसके बाद आगे कार्यक्रम शुरू करेंगे। हमारे बीच में गोपी से श्री रतन जी पधारे हुए हैं, आप भी आइए, आप भी महाराज जी का स्वागत कीजिए। श्री प्राणनाथ प्यारे की आकाश जी से निवेदन करूंगा आप बिधारीलाल जी का स्वागत कीजिए। हमारे बनवारीलाल जी भी स्वागत करने में इच्छुक हैं काफी, आप भी महाराज जी का स्वागत कीजिए। आगे कार्यक्रम शुरू कीजिए, प्रेरित जी अपने मंच जरा सुन ले
Thank you.
एक सूचना है सुंदर साहब जी, महाराज छत्तर साल जयंती के उपलक्ष्य में जिन भी सुंदर साहब ने अपने पारायण बताए हैं वो अपनी पारायण की प्रसादी अभी चाहे तो अभी बाहर नवक सभा के कार्यकर्ता बैठे हैं ले सकते हैं, नहीं तो सुबह 9 बजे के बाद पंचायत के कार्यालय में भी आपके लिए प्रसादी उपलब्ध रहेगी, तब भी आप ले सकते हैं। अब जिनका आपको इंतजार है, बड़ी दूर से आपको प्रसाद करने पधारे हुए हैं शेरपुर की टीम, इनके भजन कीर्तन, जिन मेरी बहनों को भाइयों को भी समय नहीं मिल पाया कोशिश करेंगे इनके बालों को समय मिल पाए मुझे सुबह देंगे। धन्यवाद। हले 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 बोले सतगुरु महाराज की जय। श्री छत्रसाल जी महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु श्री राम रतन महाराज आपकी सदा। बंदो सतगुरु चरण को तो करो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महेंद्र तेज कुंवरी श्यामायुगल को मैं पल पल आइए सुप्रसाद जी महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हैं। आओ मिलकर के प्यारी सी हाजिर लगाते हैं। वो दिन जिंदगी में कभी क्या हद से ज्यादा गुरूर हो जाए मेरे मालिक इतना झुका कर रखना के हर दिल दुआ देने के लिए मजबूर हो जाए कभी खोता ना हो जाऊं कभी खोता कभी खोता ना हो जाऊं तपा कर देखते मुसीबत की कसौटी पर लगा कर देखते रहना चंद्र कलियों के मुस्कुराने से जख्म जागे दो कदम में चल नहीं सकता दो कदम में
चल नहीं सकता, तू ही मिल जा किसी बहाने। संभल कर बैठना, देखिए आए हैं तो समय का सदुपयोग कीजिए। संभल मेरी सरकार को देखने वाली, संभल कर बैठना मेरी सरकार को देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। और आओ मिलकर के एक सुंदर सभा हो। श्री प्राणनाथ जी आए हैं संसार के, वाणी में आप लोग सब पढ़ते हैं, क्या देखी रे हमने दुनिया जो इसको ना कहे अखंड। हमने याद मिलाए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और प्यारे बिना के कहना है श्री प्राणनाथ जी आए हैं संसार के लिए, श्री प्राणनाथ जी आए हैं संसार के लिए। हमारा दोष नहीं है क्योंकि ये खेल सबको ऊपर से चला है। वाणी में लिखा है पहले मेरी हके दिल में फिर आई माहे नोट, ता पाछे हाथी रोहन के यो कर हुआ जरूर। इसलिए हमें माया में संसार
जो हमने वादा करके आए थे उस वादे को नहीं निभाया। आए थे खेल देखने, लेकिन उस खेल को देखने के बजाय करने लगे, लिप्त हो गए माया में। फिर धनी आए अपनी रूहों को जगाने के लिए, और धनी हमको वाणी सुनाए, धनी हमको वाणी सुनाए, मोहनीत से हमें जगाए, मोहनीत से हमें जगाए। मैं बड़ा सरल गा रहा हूँ, सीधा सीधा गा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आपकी समझ में भी आ रहा हो। अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार हाथ उठा के दिखाओ। समझ में आ रहा है? तो एक बार मैं बोलता हूँ, एक बार आप सब बोलो। कैसे? धनी हमको वाणी सुनाए, धनी हमको वाणी सुनाए, मोहनीत से हमें जगाए, मोहनीत से हमें जगाए, हमें निज घर दिया कुल मिलाए, हमें निज घर दिया कुल मिलाए। वाणी को धनी जी लाए संग उद्धार के लिए, वाणी को धनी जी लाए संग उद्धार के लिए। और सीधे करो बिल्कुल हाथ और ताली जाके, श्री प्राणनाथ जी आए संसार के लिए, श्री प्राणनाथ जी आए संसार के लिए, श्री प्राणनाथ जी प्यारे, श्री प्राणनाथ जी प्यारे, हम तो हैं तेरे सहारे, हम तो हैं तेरे सहारे, श्री प्राणनाथ जी प्यारे, हम तो हैं तेरे सहारे, ये तो है हमको प्राणों से प्यारे, ये तो है हमको प्राणों से जब तक इनकी शरण में नहीं आए ना जाने कहां कहां भटके, लेकिन ठिकाना नहीं मिला। और जब से तेरी शरण में आए हैं मेरे मालिक, हमारी मंजिल पूरी हो गई। इसलिए हम फिरे भटकते आए
साल की है। गुरु श्री छत्रसाल जी महाराज की जय। अरे गूंज रही जन जन में वाणी, गूंज रही जन जन में वाणी निजानंद जी स्वामी की। पूरी दुनिया में डंका बज रहा है सतगुरु महाराज का, इसलिए सुंदर साथी। अरे गूंज रही जन जन में वाणी निजानंद जी स्वामी की, और आज जरूरत है दुनिया को केवल कृष्ण प्रणामी की। संबत 1735 की कथा कहूँ तुमसे सारी, संबत 1735 की कथा कहूँ तुमसे सारी। यवनों का शासन काल हुआ और औरंगजेब अत्याचारी, यवनों का शासन काल हुआ और औरंगजेब अत्याचारी। संत महात्मा और पुजारी जो कोई मिले जगा, संत महात्मा और पुजारी जो कोई मिले जगा।
उसी का वर्णन आओ मैं आपको सुनाता हूँ। अरे हरिद्वार कुंती का मेला प्रभु वर सुनकर बोलो सतगुरु महाराज की।
भाव भाव को पूरा करते हैं, सीधे उठाओ हाथ में गुलाल से, रक्षक का महाराज की जय। और ताली मिला के आज जरूर कहे कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री दयानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री महाराजा छत्रसाल जी की। धर्म प्राण संदर्शाती माताएं बहने एवं भाई, बहुत ही आनंद के साथ हम लोग सभी महाराजा छत्रसाल जी की पावन जयंती 375वीं यहाँ पर मना रहे हैं। आप सबको ख्याल है
भारत भी स्वतंत्र हुआ उसके 75 वर्ष पूर्ण हो गए, तो गत वर्ष ये अमृत महोत्सव मनाया और उसके बाद में अब 75 से 100 के बीच के ये 25 वर्ष उनको अमृत काल के रूप में माना, तो 75-75 दोनों मिल रहे हैं, इसके लिए मैं उल्लेख कर रहा हूँ कि महाराजा छत्रसाल जी का शौर्य आप सब सुन रहे थे। हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। महाराजा छत्रसाल जी भी इसी प्रकार के महापुरुष रहे हैं। वे राजा तो थे, महामती श्री प्राणनाथ जी ने उनको राज तिलक करके महाराजा बनाया। केवल राजा के रूप में ही कार्य करते, तो जैसे देखिए राजस्थान में अनेक राजा हुए हैं, आज महाराणा प्रताप जी का भी उनकी भी जयंती है। वो जितने पराक्रमी रहे हैं महाराणा प्रताप, ये इस युग में इस समय तो ऐसे पराक्रमी राजा, ऐसे पराक्रमी योद्धा शायद दूसरे नहीं थे। तो ऐसे अनेक महापुरुष हुए, अनेक राजा महाराजा जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए जीवन की आहुति दी। महाराजा छत्रसाल जी उन्होंने अनेक युद्ध लड़े, अनेक बार मुगल सेना को परास्त किया। इसके साथ साथ वे एक भक्त, सच्चे गुरु के प्रति समर्पित व्यक्ति, धर्म के प्रति समर्पित और गुरु के रूप में उपदेशक भी रहे। हम लोग जयकारा में छत्रसाल जी का नाम लेते हैं, केवल राजा के रूप में नहीं ले रहे, गुरु के रूप में जिन्होंने धर्म के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कार्य किया। स्वयं विद्वान भी थे, तो उनकी रचनाएं हम लोग सुनते हैं, हम लोग बोलते भी हैं। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे उनकी ही रचना है। ऐसे बहुत से पद हैं छत्रसाल जी के, बहुत पद हैं, उनको हम अलग अलग समय में सेवा पूजा में भी बोलते हैं। महामती श्री प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को आशीर्वाद तो दिया ही, प्रातः भी हम लोग सुन रहे थे, उसमें एक बात मैं और जोड़ू, तो उन्होंने उनको आशीर्वाद के रूप में तलवार भी दिया, तो उसका एक नाम भी है, कोई बात नहीं थी। हाँ
करेक्शन करना पड़ेगा, उसका नाम है विजय। हाँ, तो उसमें फारसी में ना तलवार को जुल्मकार बोलते हैं। अब वो बिगड़ते बिगड़ते जल पुकार कर दिया, ऐसे उसका नाम है विजय। हाँ विजय, तो विजय जुल्मकार, तब उस समय फारसी प्रचलन में थे ना, तो उसका नाम विजय है, तो जुल्मकार तो तलवार को बोलते हैं। हाँ, तो उस प्रकार से तो वो जुल्मकार फिर अब वो अपभ्रंश करते करते तो जल पुकार बोल दिया। तो वास्तव में इसका नाम विजय है, तो विजयी होने के लिए तो आशीर्वाद देते हैं, तो विजयी होने के लिए देते हैं ना, तो तलवार का नाम भी विजय था। तो ऐसे कई भ्रांतियां हैं तो लिखी भी गई है और बोलचाल में भी है। तो जैसे अब सभी की तो चर्चा नहीं करेंगे, इसके साथ में एक बीतक में ही हम लोगों की एक भ्रांति है, तो उसकी थोड़ी सी बात कर दो। तो आपको ख्याल होगा तो प्राणनाथ जी नलिया से जब उधर मस्कत और अब्बास बंदर तो उधर से लौटे ना, तो लौट करके वो खंबालिया जा रहे थे। तो आपको ख्याल होगा कच्छ की एक खाड़ी है, तो खाड़ी में दूसरे तरफ में तो नलिया आता है, अभी भी है, और इधर जामनगर साइड में खंबालिया भी आता है। तो खंबालिया तो नहीं है, खंबालिया अंदर शहर का नाम है, और बंदर है तो वो दूसरा है, बंदर का नाम तो दूसरा है, लेकिन वहां पर रुकने की व्यवस्था नहीं होती थी, तो इसलिए नाम खंबालिया का ही दिया जाता था। तो शायद वो 12 किलोमीटर का अंतर है अभी भी, तो बंदर का नाम है सलाया। तो प्राणनाथ जी आ रहे थे, तो वहां से नहीं आए क्योंकि इधर तो उनकी शिकायत की थी। उन दिनों जामनगर में मुगलों ने सत्ता हथियाई थी, जैसे प्राणनाथ जी उनको अहमदाबाद में समझौता के लिए गए थे ना, तो उनको तो किसी बहाने वहीं पर रखा, बाद में उनको बंदी बनाया। और इधर चढ़ाई कर दी, 9 वर्ष तक जामनगर में तो ये मुगलों का राज्य रहा। तो इन्हीं दिनों तो प्राणनाथ जी उधर से लौट रहे थे, तो अब ये खंबालिया वगैरह सारा जामनगर राज्य के अंदर ही आता, राज्य का नाम बाद में जाकर के नवानगर बना। तो 9 वर्ष के बाद फिर तो वापस सत्ता तो वहां के सब क्षत्रिय वीरों ने मिलकर के युद्ध किया और सत्ता वापस ले। तो इस बीच प्राणनाथ जी अब वहां जाते, अगर पता चलता तब तो क्या परिस्थिति होती, तो आप सबको ख्याल ही है। तो उस समय प्राणनाथ जी वहां नहीं गए, खंबालिया ना जा करके तो वो वहां से दूसरे तरफ चले गए।
तो हमारे लिखने में भी थोड़ी सी ऐसी अब क्योंकि कई बार वो लिखते हैं तो सब हस्त प्रति होती थी ना, तो देख करके लिखने का। तो कहते हैं श्री जी साहेब जी खुशकी चले और राणा आन उतरे, ऐसा अभी तक में लिखा है। तो वास्तव में वहां पर राणा आम उतरे ऐसा है रियल में, तो वहां आमरण करके जगह है, अभी भी है आमरण। तो अलग अलग रण का मतलब रेगिस्तान मरुभूमि, तो गुजरात में मरुभूमि को रण बोलते हैं, रण प्रदेश। तो अलग अलग प्रकार के रण है, तो वहां एक रण का नाम है, एक उसका नाम है आमरण, आज भी है। तो वो वहां पर उसके पास में नवलखी बंदर है, तो प्राणनाथ जी वहां पर उतरे, तो उधर ना जा करके इधर आए, क्योंकि वो जामनगर के अंदर नहीं आता उस समय, वो दूसरे राज्य में तो आता था, राजकोट में आता था। तो वहां से फिर वो नवलखी बंदर है, तो आमरण का ही क्षेत्र है, तो उसमें वो आमरण है, तो रणा आम उतरे। तो लालदास जी ने तो ये लिखा क्योंकि उनको तो ये सब ख्याल था। तो बाद में तो अब आम क्या होता है, तो आम का अर्थ होता है आकर के रण में उतरे, तो हो सकता है उस ऐसे अनुमान से, तो कभी कभी ऐसा भी दिया जाता है। तो ऐसे कई चीजों को हम लोगों को थोड़ा सा करेक्शन कर लेना होता है। तो दूसरी बात, अभी तो छत्रसाल जी की बात करेंगे तो दूसरी बात कम करेंगे। छत्रसाल जी तब देखिए उस समय उनके मन में, जब उनके पिताजी चंपत राय जी तो उनके माता जी, तो उन्होंने किस प्रकार से प्राण त्यागे, तो वो बात छत्रसाल जी ने सुनी तो होगी। तो उस समय छत्रसाल जी उनके साथ नहीं थे, तो उनके मन में मुगल सेना के प्रति, मुगलों के प्रति किस प्रकार की भावना थी, तो कैसे प्रतिशोध की भावना रही होगी, वो हम लोग समझ सकते हैं। फिर भी कभी कभी कूटनीति में कभी किसी को मित्र बना करके भी उसको परास्त करना पड़ता है, तो छत्रसाल जी थोड़ा बहुत सीखने के लिए तो जय सिंह जी के साथ में महाराष्ट्र में, जय सिंह जी तो मुगलों के सेनापति होते थे, तो उनके साथ में तो वो युद्ध में भी शामिल हुए, तो उनको वो जानने करने के लिए किस तरह से क्या कुछ करते हैं, कैसी इन लोगों की सोच है, क्या है, कैसी क्षमता है। तो उसके बाद में तो वे शिवाजी के पास जाते हैं, तो शिवाजी उनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं कि तुम्हारी भावना, शिवाजी से उम्र छोटे थे लेकिन शिवाजी की जैसी भावना थी राष्ट्र के प्रति, तो छत्रसाल जी की भी उसी प्रकार की भावना थी। तो उन्होंने तो उस समय सैन्य सहयोग के लिए बोला कि मैं सैन्य सहयोग करूंगा, तो फिर आपकी कुशलता का परिचय कब प्राप्त होगा, आप अपनी व्यवस्था स्वयं करो। तो वहां से उन्होंने जो कुछ समझाना था, जो कुछ एक बड़े व्यक्ति की तरह से, तो उनको समझा करके भेजा। तो छत्रसाल जी ने मुगलों
मुगलों का सामना खूब किया। जब प्रहलाद जी मिलते हैं तो उनके कई दिनों से कई वर्षों से उनकी भावना थी कि कोई मार्गदर्शक गुरु मिले, क्योंकि शिवाजी की विजय में उनको लगता था समर्थ रामदास जी का मार्गदर्शन निरंतर मिलता है। तो छत्रसाल जी को भी ये लग रहा था, तो श्री प्राणनाथ जी उनको मिलते हैं। तो प्राणनाथ जी तो राज्य चलाए हुए थे, तो जामनगर राज्य तो काफी बड़ा माना जाता है, तो 1000 से अधिक तो गांव होते थे उस समय, उस जमाने में। हाँ, तो इतना बड़ा राज्य है, उसके वे अंतिम में मुख्य दीवान रहे थे, तो शासन व्यवस्था का पूरा पूरा ख्याल था। और वे तो उधर मस्कत आवास उधर होकर के आए, तो वहां किस प्रकार की परिस्थिति थी, तो उसको उन्होंने भली भांति जाना समझा। उससे पूर्व वे बसरा में रहे, बगदाद भी गए, तो वहां भाषा भी उन्होंने अरबी सीखी, तो उनको उन लोगों की चाल उनके रीत भांत किस प्रकार की नीति है, तो इसके विषय में अच्छा खासा ज्ञान हो गया था, तो अच्छा अनुभव भी था। तो छत्रसाल जी को वो तैयार करते हैं, तो हीरे का वरदान देकर आर्थिक रूप से समृद्ध किया, परमधाम का ज्ञान समझाया कि ब्रह्मात्माएं क्यों दुनिया में आती है, तो उसमें अक्षराते धामधनी ने किस किस आत्माओं को क्या क्या जवाबदारी सौंपी है, तो वो बात भी उनको समझाई। उसके साथ में राष्ट्र के लिए उन्होंने पूरे बुंदेलखंड का एकीकरण करवाया। तो कहते हैं कि वहां पर विंध्यवासिनी देवी का मंदिर, तो सारे बुंदेला विंध्यवासिनी को अपने कुल देवी मानते हैं। तो क्षत्रिय राजा छोटे बड़े जो भी हों, तो उनमें ये कमी आ गई थी, और कुछ मुगल भी ये उनमें फूट डालते थे, तो वो फूट फाट बहुत तो मेल मिलाप कम था। तो बुंदेले तो सारे वैसे देखा जाए तो भाई भाई थे, तो इसे मूल रूप से तो बुंदेला है उनको वो पंचम कहते हैं। छत्रसाल जी के भी पदों में ना कई जगह पंचम है, जैसे हम लोग आज कौन सा बार है, रविवार, तो रविवार की परिक्रमा बोलते हैं युगल स्वरूप, तो उसमें अंतिम में पंचम निश्चय दिन पावे। हाँ, तो ये पंचम तो पंचम शब्द अब आप देखिए, ओ हाँ वो दूसरे उसमें कि ये एक भोग में भी आता है, तो ये पंचम शब्द है, तो इस प्रकार से है कि वो काशी नरेश का पांचवा पुत्र तो बुंदेलखंड गया, अब वो सन का वहां ख्याल नहीं है, तो वो पांचवा तो दूसरे भाइयों ने उसको अपने से थोड़ा अलग कर दिया, तो उसने वहां जाकर के फिर बुंदेलखंड में तो अपना शासन स्थापित किया। तो वो पंचम पुत्र होने के कारण तो वो स्वयं को पंचम लिखते थे, तो पंचम उनका उपनाम था, तो वो बुंदेला जी जो भी होंगे विशेष होंगे तो वो पंचम लिखते थे,
तो छत्रसाल जी तोरे बुंदेलखंड में वो महत्वपूर्ण थे, तो इसलिए तो उन्होंने भी पंचम शब्द का प्रयोग किया। तो छत्रसाल जी प्राणनाथ जी ने तो सबको एकत्रित करके उनको समझाने का प्रयत्न किया। तो उसमें कुछ रजवाड़े वाले आए तो कुछ नहीं भी आए, तो हरभक्त सिंह जैसे कुछ लोग हैं वो नहीं गए थे। तो फिर तो प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को सैन्य संगठन के लिए तो पहले तैयार किया। जब सेनाएं पर्याप्त रूप में तैयार हुई तो उसके बाद में पूरे बुंदेलखंड का एकीकरण करवाया और स्वयं भी तो वो हाथी पर सवार होकर के उस यात्रा में आगे निकले, तो दिग्विजय यात्रा में। तब तो ऐसे में कई बार तो लड़ना पड़ता था, कई लोग बात मान देते तो कोई बात नहीं। तो प्राणनाथ जी इस यात्रा में कई दिनों तक रहे हैं और बीच में यात्रा छोड़ करके तो जब वसंत सुरखी ने वो चित्रकूट के राजा थे तो उन्होंने बड़ा आग्रह किया। तो प्राणनाथ जी फिर वहाँ से थोड़े समय चित्रकूट में रहे, बाकी छत्रसाल के साथ में पूरे सेना में छत्रसाल जी के साथ में पूरी सेना में तो प्राणनाथ जी साथ साथ रहे। इसलिए कहते हैं ना साईं है सेनापति, हाँ ऐसा वो उसमें आता है ना, तो सेनापति होना स्वीकार किया, मतलब तो मार्गदर्शन देते थे बाकी सब योद्धा, और प्राणनाथ जी सेनापति का तात्पर्य तो मार्गदर्शन दे रहे। तो आप देखिए उस समय तो किस प्रकार की परिस्थिति होगी। तो प्राणनाथ जी ने केवल ज्ञान उपदेश ही नहीं दिया तो राष्ट्र को जागृत करने का बहुत बड़ा काम किया। जब हुए मेहता से दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे थे ना, तो उस समय यहाँ आमेर के जयपुर तो उस समय बसा नहीं था, तो आमेर था, तो आमेर के राजा थे यशवंत सिंह। तो यशवंत सिंह को उन्होंने समाचार भेजा, यशवंत सिंह अभी के पेशावर, तो अभी पाकिस्तान में पेशावर आता है ना, तो रावलपिंडी पेशावर, तो वो वहाँ पर तो उस समय उधर उस सीमा को सुरक्षित रखने की जवाबदारी यशवंत सिंह पर थी, तो अपनी सेना के साथ में उधर रहते थे। तो बूंदी के राजा थे भाव सिंह हरा, तो उनको उधर औरंगाबाद के तरफ भेजा था। तो ये लोग राजाओं को सेनापति बनाया, अपना सालियाना दिया और कहीं से कहीं भेज देते, अपने राज्य में नहीं रखते थे, मुगलों की पॉलिसी थी। तो प्राणनाथ जी ने उसी समय यशवंत सिंह के पास में समाचार भेजा, तुम वापस आओ, तो इनका तो सामना करना है, तो इनके सामने लड़ना है, तो उनकी गुलामी नहीं करनी है। तो गुलामी से आजादी के लिए तो प्राणनाथ जी ने उसी समय ये सारा कार्य करवाया। तो छत्रसाल जी प्राणनाथ जी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे, तो प्राणनाथ जी जो भी बोलते तो उनको लगता है कि नहीं ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात कह रहे हैं, उनके मार्गदर्शन के हिसाब से, इसलिए यहाँ कहीं नदो नजर मतलब इफ एंड बट इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, तो ऐसा उनको इतना विश्वास था। तो विश्वास होने से सफलता भी मिलती है। तो छत्रसाल जी को
हमेशा सफलता मिलेगी। तो छत्रसाल जी इस प्रकार बड़े समर्पित रहे हैं, उन्होंने बुंदेलखंड का एकीकरण किया और बुंदेलखंड तो उस समय के हिसाब से देखें तो काफी बड़ा क्षेत्र, उसमें जो भी बंटे हुए थे उन सबको एकजुट किया और उन सबके ऊपर छत्रसाल जी रहे, उनके रक्षा का दायित्व उन्होंने स्वयं संभाल लिया। तो ये उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा कार्य था। आज पूरे भारत का एकीकरण हुआ उसके हिसाब से देखें तो छोटा दिखता है, लेकिन किसी जमाने में ना तो इतनी ज़्यादा धन संपत्ति हुआ करती थी, ना इतना कम्युनिकेशन का साधन था लोगों को समझाने करने के लिए भी, पैदल जा करके छोटे मोटे साधन लेकर के जा करके लोगों के साथ में बातचीत करनी पड़ती थी, तो समझाना भी इतना सरल नहीं था, कठिन ही था। तो ऐसे समय में ऐसी परिस्थिति में तो छत्रसाल जी ने श्री प्राणनाथ जी की आज्ञा श्रद्धार्य करके देश के लिए भी बहुत बड़ा कार्य किया, तो धर्म के लिए भी बहुत बड़ा कार्य किया। तो सारे संघर्षात की व्यवस्था तो उन्होंने की, तो विभिन्न स्थानों में मंदिर वगैरह बने। तो आपको ख्याल होगा कि वहाँ सागर और छत्रपुर के बीच में ना तो एक स्थान आता है शाहगढ़। शाहगढ़ में एक राजा थे, वो प्रणामी थे, छत्रसाल जी के ही वंश में से थे। उनका नाम था महाराजा बखत बली जी। वो प्रणामी थे, उनके समय पर उनके आज्ञा से लिखे हुए तारतम साकर अभी नौतनपुरी धाम में भी है। 1857 के समय पर तो उन्होंने वो उसमें सम्मिलित थे, तो अंग्रेजों ने तो उनको उठा करके लाहौर में जेल में डाला, उनको पकड़ करके, जैसे ये महारानी लक्ष्मीबाई जी के साथ में तो ये उनके प्रूफ था, तो उनमें से एक ये महाराजा बखत बली जी भी थे। तो उसके बाद में उनको जब अब वो तो जीवन पर्यंत जेल में ही सड़ाया, बाद में उनको वृंदावन में ट्रांसफर किया। और अभी देखते हैं आज भी तो वहां शाहगढ़ में उन राज परिवार के ना तो कोई जमीन है ना कुछ है, पूरे रिकॉर्ड में से सब कुछ हटा दिया, सब गायब है। तो ऐसी उस थी अंग्रेजों के समय में और उससे पूर्व भी, बाद में भी, और अब कई चीजें तो उसके बाद में भी तुष्टिकरण के नाम पर बहुत कुछ बिगड़ा है, बहुत कुछ खराबी हुई है। जिन लोगों ने धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, संस्कृति के प्रति, परंपराओं के प्रति अपना योगदान दिया, समर्पण किया अपने जीवन को, तो ऐसे महापुरुषों को हमेशा याद रखना होगा। बहुत खुशी की बात है कि अभी मध्य प्रदेश सरकार ने महाराणा प्रताप जी की जयंती के साथ साथ में ना तो मध्य प्रदेश में छत्रसाल जयंती तो उसको भी ज्वाइन किया है, तो ये एक अच्छी बात है और अच्छी शुरुआत है। तब धीरे धीरे तभी सरकार शिक्षा नीति बदल रही है, तो उसमें भारत का इतिहास भी सही रूप से लिखने का प्रयत्न किया जा रहा है। जिन जिन महापुरुषों ने लिखे थे
इतिहास लिखा था और वो दबाया गया था, नष्ट भ्रष्ट किया गया था, तो उस सब को संकलित करके पुनः भारत का गौरवशाली इतिहास लिखा जा रहा है। यह हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। तो भारत का गौरवशाली इतिहास बनाने वालों में महाराजा छत्रसाल जी भी, तो आज हम उनको याद कर रहे हैं। तो उस समय की परिस्थिति उनको थोड़ा सा समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, अपने साइकिल को थोड़ा सा रिवर्स, वैसे साइकिल तो गियर बिना के होते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा रिवर्स चलाएंगे और थोड़ा सा उस समय के परिस्थिति को हम ध्यान में रखने लगेंगे तो हमें काफी कुछ ख्याल आएगा। तो महामती श्री प्राणनाथ जी तो यहीं से होकर के निकले होंगे, जब दिल्ली से तो इधर आए तो यहाँ से होकर के निकले होंगे। तो सांगानेर की भी बात आती है और आमेर की भी बात आती है, तो आमेर से सांगानेर गए होंगे तो इसी भूमि से गए होंगे, तो बाद में ये शहर बसा। तो आप देखिए, जब उदयपुर पहुंचे नहीं थे तो उस समय तो कैसी परिस्थिति थी। तो उदयपुर पहुंचने के बाद में तो वहां पे काफी कुछ कार्य किया, उसके बाद में फिर उधर मंदसौर के तरफ जाते हैं, फिर आगे दुदनई के तरफ जाते हैं। तो देखिए, तो उस समय भोजन के लिए भी तो किस प्रकार की परिस्थिति रही होगी। तो इन चीजों को हम लोगों को थोड़ा थोड़ा याद करना होगा। आज हम लोग ये सब जानेंगे, अपने बच्चों को समझाएंगे करेंगे, तो धर्म के प्रति समर्पण क्या होता है, धर्म की क्या आवश्यकता होती है, तो उनका उनके विषय में थोड़ा सा ख्याल आ रहा है। तो अभी मैं तो सबको, हमारे माता बहनों को खास कहना चाहूँगा कि आप वो केरला के कौन सा फिल्म है, हम लोगों को तो पता नहीं है, लेकिन केरला स्टोरी है तो छोटे बच्चों को भी दिखाना चाहिए, तो पता होना चाहिए कि कहाँ क्या परिस्थिति हो रही है और ऐसे में हम लोगों को कैसे रहना है। तो कई चीजों को देखने की समझने की आवश्यकता है। श्री आत्म सागर में और पीतकों में प्रचुर मात्रा में कते प्रसन्न है, कते ग्रंथों के विशेष करके कुरान और हदीस के, तो उनको हम किस ढंग से समझ रहे हैं और प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं उस बात को भी समझने की खास आवश्यकता है। तो ये भी हमें काफी विचार विमर्श करने के बाद काफी लोगों को, जैसे वो इतिहास को और उस समय का इतिहास और पूरा आद्योपांत हम ये सनंद खुलासा मार्फत सागर और क्यामतनामा उन सबको हम एक साथ में रख करके मनन करते हैं, तब जाकर के ख्याल आता है कि प्राणनाथ जी क्या कहना चाह रहे थे। और हम लोगों में से अनेक लोगों को अभी भी इस संदर्भ में ख्याल नहीं है, तो कई ऐसे भी लोग हैं कि जो प्राणनाथ जी ने अलग अलग स्थानों में अल्लाह कलाम की बात कही है, कुरान की बात कही है, तो वो समझते हैं कि ये रसूल मोहम्मद द्वारा वर्णित कुरान तो वास्तव में
प्रज्ञाचित्र तो कहते हैं ये चार ग्रंथ, तो जिसमें तो इंजिल, जबूर, तौरात और कुरान, तो चारों को तो उन्होंने रिप्लेस कर दिया। तो फिर आगे जब वो कुरान की बात कर रहे हैं तो किस बात को समझा रहे हैं, और सनंद में एक प्रकरण, तो पहले उन्होंने बिना एक हम इस प्रकार से तैयार किया, और बाद में हम शब्द हटा करके, क्योंकि वो जामा मस्जिद में गाने के लिए भेजा, तो उस समय तो वहाँ तो उसमें मोहम्मद शब्द डाला, तो ये तो बीतक में लालदास जी ने लिखा है, तो उसको हम वो जरा विस्तार पूर्वक समझेंगे डिटेल में, तो ये ख्याल आए। तो ऐसे बहुत से प्रसंग हैं, तो अल्लाह कलाम कहने का तात्पर्य है तो ब्राह्मी वचन, तो ऐसा नहीं कि वो उसमें अरबी में बोला तो केवल कुरान ही अल्लाह का कलाम है। तो जो भी उनके हिसाब से जो लोग अरबी और अरब के क्षेत्र के और उसके प्रभाव में चलने वाले लोगों के दिमाग में, तो उनके लिए तो गीता भी अल्लाह कलाम है, वेद भी अल्लाह कलाम है, तो संपूर्ण आत्म सागर अल्लाह कलाम कैसे नहीं हो सकता है। तो ये कई चीजों को हमें समझने की आवश्यकता है। सनंद में भी तो एक प्रकरण है, तो सनंद नूर तजल्ला की, उसमें उन्होंने दूसरी चौपाई में या उसके उस प्रकरण के दूसरी या तीसरी चौपाई में वो कहते हैं कि जो बातें रसूल मोहम्मद के जुबान में ही नहीं निकली तो कुरबान में कैसे चढ़ेगी। तो कहने का तात्पर्य तो मेराज के समय पर जो कुछ उनको ज्ञान मिला तो उनमें से तो उन्होंने 1/3 ही तो बताया, तो बाकी तो बताया नहीं, तो उनको और दूसरा जो 2/3 दूसरा हिस्सा था तो वो उनको बोला था कि तुम्हें ठीक लगे तो ऐसे लोगों को समझा। और जो तीसरा अंश है तो उसके विषय में तो ये बोला था हम आएंगे और फिर बताएंगे। तो जब सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को दर्शन दिया, पूर्ण ब्रह्म स्वयं पधारे, उनके हृदय में विराजमान हुए, फिर प्रण्णा जी के हृदय में विराजमान हुए, और उसके बाद में जो कुछ भी ब्रह्म ज्ञान प्रसारित हुआ, जो ब्रह्मवाणी अवतरित हुई है, तो ये मूल बात हुआ है। इसलिए वो तो रसूल के जुआ में ही नहीं चढ़ी तो फुरमान में कैसे चढ़े। इसलिए कई चीजों को हमें ऐतिहासिक संदर्भ को लेकर के जानने की आवश्यकता है। तो कई भ्रांतियां फैली हुई है और उसके आधार पर बहुत से लोग हैं ज्ञान उपदेश भी विचित्र प्रकार से देते हैं। तो अभी भी कई लोग वो उर्दू बोल रहे हैं या हिंदी बोल रहे हैं पता नहीं चलता है, तो ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो वो तो किसी समय में अब प्रण्णा जी आज के समय में होते तो वो अंग्रेजी में बोलते, तो वो तो समय समय की भाषा की बात होती है, तो अब उसके हिसाब से तो हम लोग अभी हिंदी में बोलेंगे तो हमें तो हिंदी के शब्द हैं तो हमें उनका प्रयोग करना चाहिए, तो उनका हम फारसी या अरबी शब्दों का ही प्रयोग करना जरूरी है ऐसा नहीं है। तो कुछ भ्रांतियां ऐसी बनी हुई है। तो छत्रसाल जी के उसमें छत्रसाल जी का समर्पण, और छत्रसाल जी ने बाद में भी कई पद वगैरह लिखे हैं, जैसे भोग वगैरह के पद हैं,
इस श्री प्राणनाथ जी के अंतर्दान होने के पश्चात लिखे हुए हैं। तो उन्होंने कैसे शब्द विन्यास रखा है, तो उनकी क्या सोच होगी, तो उन चीजों को भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो छत्रसाल जी के जयंती पर हम लोगों को थोड़ा सा तो आत्मनिरीक्षण करने की भी आवश्यकता है। तो सचमुच हम लोग महामती श्री प्राणनाथ जी के उद्देश्य का अनुसरण कर रहे हैं, छत्रसाल जी के उद्देश्य का अनुसरण कर रहे हैं, या हम लोग कहीं भ्रमित तो नहीं हो रहे हैं। इन बातों को भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आज मात्र संकेत कर रहा हूँ, तो मैंने विचार किया है एक श्रृंखला इसके संदर्भ में कभी लेंगे, और उस श्रृंखला के माध्यम से हमें जो कुछ भी थोड़ा बहुत ज्ञात हुआ है और आगे ज्ञात होगा, तो वो सुंदर साथ तक पहुँचे और यथार्थ क्या है तो उसके तरफ में ध्यान जाए, और केवल लकीर के फकीर बन करके न जाए और सही वस्तु को सही रूप में देखें, उसके तरफ विचार जो भी विचार करने वाले होंगे, विचारशील होंगे, तो जरूर वो विचार करेंगे। तो आज मैं आप सबसे ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि महाराजा छत्रसाल जी का शौर्य और उनका समर्पण, जैसा कि मैंने सुबह ही बताया था, तो हमारे जीवन में भी शौर्य भी होना चाहिए। इसलिए शरीर को भी ठीक ठाक रखना जरूरी है, इसलिए खान पान रहन सहन इन चीज़ों को ठीक रखें, आहार विहार इनको ठीक रखें। हम लोग तो आजकल क्या है कि हमारे हर चीज में दूसरे लोग डिजाइन करते हैं और हम लोग तो उसको फॉलोअप करते हैं। अब देखिए तो हमारे खाने पीने की वस्तुएं डिजाइन कौन करता है, कोई और एडवर्टाइज आने लग जाता है, उसके बाद में उसको देख करके फिर तो हम लोग हाँ ये चीज़ बढ़िया है। अभी अभी आपने कौन सा वो बोर्नविटा और उसका सुना होगा, तो उसमें है क्या चीज़, ऐसी कोई वस्तु होती नहीं है। वो एडवर्टाइज में जो कुछ भी दिखा दिया तो कौन सा स्पाइडर मैंने तो वो कहीं ऐसा सीधा सीधा वो कहीं चढ़ नहीं पाएगा, ये सब दिखाने वाली बात होती है। तो ऐसे ही हमारे ड्रेसेस वगैरह तो भी कोई डिजाइन कर देता है और हम लोग पहनने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी सोच को भी कोई बदल रहा है और हम तो उस सोच के उसके आधार पर हम अपने जीवन की दिशा निर्देशन दिशा आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है, हमारी सही दिशा क्या है। उसके लिए जो प्रणति की बात सुबह कही थी, शूर धीर हसे खरो खोजी, तो सच्चा खोजी का तात्पर्य तो ऐसे किसी प्रवाह में ना जाकर के सच्चाई को समझने वाला। तो हम लोगों को भी सच्चाई से परिचित होना बहुत आवश्यक है, इसलिए हमारा आहार विहार इन चीजों को भी हम थोड़ा सा ध्यान दें। शरीर को भी ठीक ठाक रखें, ये अच्छा साधन है। शरीर को हम स्वयं मान लेते हैं, ये तो हमारी भ्रांति है। शरीर हमारे लिए बहुत अच्छा साधन मिला है, ये बहुत बढ़िया वाहन, इतना बढ़िया है कि इसका उपयोग करके दुनिया में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और इतना ही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुई सब काम के अनुसार परम धाम का भी अनुभव कर सकते हैं। श्री राज्य के चरणों में बैठे हुए हैं वो फीलिंग भी हम कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में अभी मैं
प्यारी वाणी को विराम दूंगा। वैसे तो मुझे थोड़े समय के लिए बोला था, मैं थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया, तो मुझे लगा कुछ बातें करने कर देनी चाहिए। आगे का जो भी कार्यक्रम होगा और प्रधान जी बताएंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोले श्री सतगुरु महाराज, बोले श्री बाबा जगन्नाथ साहेब की। अभी जब वीरेंद्र जी यहाँ से गए तो मैंने उनसे पूछा भी किन किन के भजन बाकी रह गए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के भजन बाकी रह गए और मुझे बहुत पुरानी बात एक ध्यान है। मैंने महाराज श्री 108 श्री सदानंद जी महाराज से एक बार मैंने जिक्र किया कि महाराज श्री आप 3 से 4 का समय रखते हैं तो ना तो ये सुबह का हो ना शाम का, ये बीच का समय आप क्यों रखते हैं। उन्होंने जो मुझे कहा कहते कि बेटा सुबह 8 से 7 से 8 का समय रखें तो महाराज वो सोने का समय होता है, रात नहीं आओगे। मैं शाम का समय रखे तो मैं कल दुकान का समय होता है। उसके साथ 3 से 4 का समय इसलिए रखते हैं क्योंकि महिलाएं घर के कार्य से निवृत्त हो जाती है और धर्म महिलाओं से चलता है। तो क्षमा चाहूँगा मैं आज महिलाओं से क्योंकि आज इनका भजन नहीं हो पाया। कल हमारे विकास जी और जो है रमेश जी आज हमारे बीच से अलविदा ले रहे हैं, तो हम एक इनके भजन के साथ आज के इस कार्यक्रम की हम पूर्णावती करेंगे। आप एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करें ताकि कल माताएं कल का कार्यक्रम कल रात्रि 7:30 बजे सुबह साहब जी 7:30 बजे पारायण की पूर्णावती होगी, भजन सत्संग का कार्यक्रम होगा और उसके बाद भंडारे का कार्यक्रम, बच्चों का कार्यक्रम भी सुंदर साझी करी है। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। ये लास्ट प्रस्तुति आपके श्री चरणों में पेश करने जा रहा हूं मैं। सुबह मजबूरी है जाने की, लेकिन आप लोगों से के बीच से जाने के लिए मन नहीं कर रहा। इतना स्नेह इतना प्यार आपसे मिला कि ऐसा लगेगा जैसे शिवपुर जयपुर बड़ी करीब है। आइए एक छोटा सा भजन में रखता हूँ। सुबह मुझे फरमाइश भी की थी जिन्हें परम धाम जाना है, जिन्हें परम धाम जाना है वो अपना नाम लिखा। गाड़ी तैयार खड़ी है, गाड़ी तैयार खड़ी है, जल्दी से टिकट कटा। Oh, my God.
आपके पास है, मैं चाहूंगा एक बार खड़े हो जाए पंकज जी, आप भी खड़े हो जाओ। माता जाने जितनी आओ परम आप मिलकर के चलते हैं सतगुरु महाराज के दरबार में, सीधे हाथ करके कह लो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गुरु महाराज की जय, और मस्ती में झूम के कहो जितने परम धाम जाना है वो अपना नाम निकाल, जितने परम धाम जाना है वो अपना नाम निकाल, काजी तैयार करी है, काजी तैयार करी है और जल्दी से टिकट कटा, जितने परम धाम जाना है वो अपना नाम निकाल। प्रणाम जी, आपके श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूं और महाराज जी से शायद उम्मीद करता हूं
कि आप लोगों का दर्शन फिर दोबारा जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। प्रणाम। मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा, 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 मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा। नगर चरित चौकी पर दो, नगर चरित चौकी पर दो, सिंधुगर स्वरूप बिना देवालो, युगल स्वरूप बिना Thank you.
सदाई सतगुरु श्री रामचंद्र